नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो जो आपसे बात वादा हुआ था कि जो भी वीडियो ज्यादा आप लोगों ने पसंद किए उसके में से कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कमेंट में मैं वैसे नॉर्मली रिप्लाई कर देता हूं, फिर भी लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए जिससे आप लोगों को ज्यादा फायदा हो। तो चलिए इसी सीरीज में जो अगला सब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो है कि गर्मियों में, गर्मियां काफी पड़ रही है अभी और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए पंखा भी बंद करना पड़ रहा है, एसी भी बंद करना पड़ रहा है, तो गर्मी लगेगी। तो इस गर्मी में जो आपका मकान है उसको ठंडा कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में जो एक वीडियो बनाया था उसको आप लोगों ने काफी पसंद किया, आप लोगों ने काफी सारे कमेंट्स भी किए, उस टॉपिक पे आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अलकमार इकबाल साहब ने पूछा कि जो गर्मी है उसको रोकने के लिए क्या मैं सीलिंग पे पहले थर्मोकोल लगा दूं और फिर उसके ऊपर से प्लाई लगा करके अपनी सीलिंग को फिनिश कर सकता हूँ क्या? तो इसका जवाब ये है सर कि थर्मोकोल वैसे ट्रेडिशनली पहले पुराने जमाने में इसको इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता था, लेकिन मेरा अभी आज की तारीख में मेरा सजेशन है कि आप ऐसा नहीं करें, ये आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, क्योंकि आप थर्मोकोल लगाएंगे फिर उसके ऊपर से प्लाई लगाएंगे तो कॉस्ट काफ़ी लगेगी, कारपेंटर जो है वो काफ़ी कॉस्ट लेता है। थर्मोकोल तो फिर भी आप किसी तरीके से पेस्ट कर सकते हैं या स्क्रू करके लगा सकते हैं, लेकिन फिर प्लाई से उसको फिनिश करना, फिर प्लाई को फिनिश करना, तो मेरा सजेशन है कि आप ये नहीं करें। और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो वीडियो में बात करते जाएंगे उसमें आपके पास और जो एडिशनल ऑप्शन है वो आपको मिलते रहेंगे। एक सोलंकी जी हैं, उन्होंने पूछा है कि मेरा जो मकान है वो राजस्थान में कहीं पर उनका मकान है और उसमें बाहर उन्होंने गुलाबी पत्थर लगाए हुए हैं जिसकी वजह से मकान जो है दिन के टाइम पे जब गर्मी काफ़ी तेज पड़ती है तब मकान बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये जो एलिवेशन है उसका जो स्टोन वगैरह उसको डिस्टर्ब करे बगैर गर्मी से कैसे बचा जा सकता है। तो उसका जो सबसे सिंपल और बहुत आसान उपाय जो है वो है ग्रीन नेट, जो एग्रीकल्चर नेट भी बोलते हैं, हरे रंग की नेट आती है, वो आजकल दूसरे कलर्स में भी अवेलेबल है, लेकिन वो जो कंपनी जो दूसरे कलर्स में अवेलेबल कराती है उसकी रेट काफ़ी महंगी है और ये जो नॉर्मल जो एग्रीकल्चरल मैट नेट जो आती है करीब 10-1 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास में कॉस्ट पड़ती है उसकी, तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से डायरेक्ट सनलाइट आने की वजह से आपका मकान बिल्कुल गर्म हो जाता है और आपको रहने में काफ़ी तकलीफ आती है, एसी की कूलिंग इफेक्टिव नहीं रहती है, तो आप एक पर्दे जैसे ऊपर से आपके मकान के ऊपर से नीचे तक थोड़ा सा गैप दे करके ग्रीन नेट लटका सकते हैं और ऊपर से बांध दीजिए, नीचे से बांध दीजिए, तो आपकी जो दीवार जो डायरेक्ट धूप की वजह से तपती है वो तपनी बंद हो जाएगी, तो आपको काफ़ी टेम्परेचर में रिलीफ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि कम से कम 5 से 8 डिग्री तक का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। और ये जो गर्मी होती है वो नॉर्मली क्या होता है कि दिन भर जब धूप पड़ती है तो जो अर्थ मटेरियल है, जो सीमेंट है, बजरी है, पत्थर है, ये जो एनर्जी है गर्मी वाली जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके रिटेन कर लेती है, अपने में रख लेती है। तो फिर क्या होता है, शाम होने के बाद जब धूप चली भी जाती है तब फिर वो उसको जो गर्मी जो उन्होंने रिटेन करी उसको डिस्चार्ज करना स्टार्ट करती है, तो उसकी वजह से आपको दिन में भी गर्मी लगती है और धूप चली जाने के बाद, गर्मी जाने के बाद भी आपको गर्मी लगती रहती है पत्थर की वजह से। स्पेशली सैंड जो है वो जरूर थोड़ी कम गर्मी एब्जॉर्ब करती है और जल्दी से उसको रिलीज भी कर देती है, लेकिन स्टोन वगैरह वो काफ़ी देर तक गर्मी छोड़ते रहते हैं, इसकी वजह से आपको रात को भी अच्छा आरामदायक नहीं लगता है। तो ये करेंगे तो अगर आपकी जो अर्थ मटेरियल है आपके मकान में वो अगर गर्मी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो आपको इवनिंग में कम से कम काफ़ी अच्छी रिलीफ मिलेगी और आपका जो कूलर है वो भी ठंड देने लग जाएगा और एसी भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इसी लाइन में दूसरा क्वेश्चन है जिनका यूट्यूब में नाम बी टी के नाम से था, बी और टी बस, तो उन्होंने पूछा कि भाई गर्मी में तो जो ग्रीन नेट है ये बहुत अच्छी इफेक्टिव रहेगी लेकिन सर्दियों में तकलीफ देगी, धूप रोक लेगी। तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि आप जब सर्दी आए तो आप इसको हटा लीजिए। एक बहुत ही सुंदर सा नाम है शुद्ध सत्वा गांगुली, बंगाल से यह लग रहा है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हाउ मच टाइम डज अ हीट रिफ्लेक्टिव पेंट लास्ट, जो हीट रिफ्लेक्टिव पेंट जो आता है वो लगाने पर कितने दिन तक काम करता है, कितने दिन तक लास्ट करता है। ये नॉर्मली क्या है, क्वालिटी ऑफ द पेंट और पेंट लगने के बाद जो ऊपर से एक प्रोटेक्शन लेयर लगता है उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। फिर भी एक अंदाजे में मैं बता सकता हूँ कि इफेक्टिवली 3 साल काम करेगा अच्छे से, और अगर आप चाहें तो 4 साल तक यूज कर सकते हैं और 4 साल बाद दोबारा से एक आपको लेयर लगानी पड़ सकती है, बिल्कुल ऑप्टिमम परफॉर्मेंस चाहिए तो। लेकिन एक बार लगाने के बाद, हाँ एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट जो मैं आपको वापस बता देता हूँ कि आपने जैसे हीट रिफ्लेक्टिव पेंट लगाया है तो जो छत है या जहां पे भी आपने हीट रिफ्लेक्टिव पेंट लगाया है उस सरफेस को क्लीन रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने हीट रिफ्लेक्टिव पेंट लगाया और फिर वो जो एरिया है वो गंदा रह जाता है तो फिर आप उसमें क्या है कि उतनी अच्छे से वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो अर्थ मटेरियल आ जाता है वो गर्मी रिटेन करने लग जाता है। तो व्हाइटनेस जो है, सफेदपन है, वो काफी सपोर्ट करता है गर्मी को रिफ्लेक्ट करने में। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये पेंट लगाएं तो जो छत है उसको गर्मी के समय पे साफ करा लीजिएगा।
एक सब्सक्राइबर हैं रंगस्वामी त्यागराजन जी है, उन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल सजेशन दिया आप लोगों के लिए, तो उसमें मैं उनकी काफी सारी बातों से मैं एग्री करता हूं, लेकिन थोड़ा उसमें कुछ चेंजेस है जो मैं आपके साथ हल्का सा 30 सेकंड 40 सेकंड लूंगा उसको डिस्कस करने के लिए। उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो सारे आपने जो सजेशन दिए जो पहले वाले वीडियो में वो उसके साथ इत्तेफाक नहीं रखते, उन्होंने ये सजेशन को अच्छे सही नहीं माना। तो उन्होंने कहा कि जब भी आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो वहां पे आप सोलर पैनल्स लगाइए और उसकी वजह से आपका बिजली का उत्पादन भी होगा और गर्मी भी नहीं लगेगी। तो ही इज वेरी करेक्ट, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप ये कर सकते हैं, तो उससे जो सोलर पैनल है उससे एक छाया बन जाएगी और प्लस आपको बिजली का उत्पादन भी मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर कि इसके लिए आपको 2.5 से 3 लाख रुपए करीब का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और स्ट्रक्चर वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो हो सकता है सब लोगों को ये सूट करे नहीं करे। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने कहा कि दीवारों पे भी आप सोलर पैनल्स लगा दीजिए, तो सोलर पैनल इंडिया में जो सोलर जो एनर्जी अट्रैक्ट करने की जो एंगल है वो साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ एक पर्टिकुलर डिग्री है, उसी में अगर आप सोलर पैनल लगाएंगे तो ऑप्टिमम यूज करेगा। ऐसे नहीं कि किसी भी तरफ आप सोलर पैनल लगा दे तो आपको बिजली मिलने लग जाएगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि किसी का मकान किसी तरफ डायरेक्शन में हो सकता है। पर फिर भी ये एक अच्छा सजेशन है, अगर आप लोगों को सूट करता है और आपको अच्छा लगता है 5 किलोवाट तक की का सोलर पैनल आप लगा सकते हैं, तो आप समझ लीजिए 6 से 7 साल में आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस आ जाएगा और उसके बाद आपको फ्री में बिजली मिलती रहेगी। सुमित बंद साहब है जिन्होंने इनपुट दिया कि जो ग्रीन नेट है वो सबसे चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है। तो सुमित जी, मैं बिल्कुल आपकी जो बात है आपका जो सजेशन है उससे बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ, मुझे बिल्कुल ये आपका जो सजेशन है बिल्कुल मैं इसको मानता हूँ। तो कभी भी आप चाहें कि बहुत आपके किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी मकान में बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है तो ग्रीन नेट जो है सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय है, उसको बहुत अच्छे से तरीके से, ऐसे नहीं कि आप गंदी तरीके से उसको लगा लें, पर्टिकुलरली किसी बंदे को बुला करके अच्छे से GI का वायर वगैरह लगा करके अच्छे से अगर आप उसको बांधते हैं तो मिनिमम 1 सीजन और मैक्सिमम 2 से 3 सीजन एक ग्रीन नेट चल जाता है और वो काफी अच्छा काम करता है और आपकी गर्मी काफी रिड्यूस कर सकता है। इसी कड़ी में जो आगे का जो इनपुट है नील पटेल जी, उन्होंने पूछा है कि ग्रीन नेट लगाने से टेम्परेचर कितना कम होगा। अब ये तो ऐसे में स्पेसिफिकली बिल्कुल टेक्निकली नहीं बता सकता, फिर भी मेरा एक कैलकुलेशन है कि अगर आप अच्छे से ग्रीन नेट लगाते हैं और आपकी जो सन की जो धूप की जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने का जो एंगल परफेक्ट बैठ जाता है तो मेरा मानना है कि कम से कम 5 से 8 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क पड़ना चाहिए। प्लस दूसरा जो एडवांटेज है कि जो आपका अर्थ मटेरियल जो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो रात को आपको उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे भी आपने ग्रीन नेट लगाया वो एरिया आपको काफी आरामदायक लगेगा। फिर पंचाली मुखर्जी ने पूछा है मैडम ने कि ये जो ग्रीन नेट है ये क्या वाटरप्रूफ है क्या? तो बिल्कुल मैडम, ये वाटरप्रूफ होती है, तो प्लास्टिक टाइप के मटेरियल से बनी हुई होती है और उसमें कोर्स जालियां होती है तो आराम से ये गीली हो जाती है तो फटाफट सूख भी जाती है और ऐसा कह सकते हैं इट्स वाटरप्रूफ। सुहेल जी, आप थोड़ा नाराज मत होइएगा, आपका जो कमेंट है वो मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने कहा ग्रीन नेट विल नॉट वर्क व्हेन यू हैव मंकी प्रॉब्लम्स, अगर बंदर है तो ये जो ग्रीन नेट है ये काम नहीं करेगी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि छत में अगर बंदर है तो वो जो ये ग्रीन नेट है उसको फाड़ सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जहाँ पे बंदर है, जैसे हमारे जयपुर में भी काफी बंदर है तो आप लोगों के एरिया में बंदर ज्यादा है तो ग्रीन नेट छत के ऊपर जो लगाएंगे ना वो फाड़ देगी, लेकिन अगर आप वर्टिकल लगाते हैं ऐसे लटकती हुई लगाते हैं तो मेरा वो मानना है कि शायद हो सकता है कि वो आपकी ग्रीन नेट को छोड़ दे। फिर भूपेंद्र मेहरा जी ने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि सर ग्रीन नेट लगाने से जो बंदर फाड़ देते हैं उससे कैसे बचाएं? अब ये तो यार मुझे नहीं मालूम कैसे बता सकते हैं, वो तो बंदर से बात करनी पड़े, उनका कोई लीडर उससे मीटिंग कर लो एक बार आप, ऐसे जोक्स। एक क्वेश्चन है SJK लिखा हुआ था उसमें, उन्होंने पूछा कि जो XPS सीट है जिसके बारे में मैंने मेरे जो प्रीवियस वीडियो में बोला था कि उसको सीलिंग में कैसे लगाएं, सीलिंग के साथ कैसे लगाएं। तो सर इसमें ऐसा है कि जो XPS सीट है उसको आप पेस्ट कर सकते हैं, एडहेसिव लगा के चिपका सकते हैं, लेकिन वो चिपकी हुई नहीं रहेगी, कभी वो गिर सकती है, तो पेस्ट करने के बाद आप स्क्रू कर सकते हैं, स्क्रू से उसको वॉशर लगा के, सामने एक वॉशर लगा के आप सीलिंग के साथ उसको स्क्रू कर सकते हैं, तो उससे उस तरीके से आप XPS सीट को सीलिंग के साथ रोक सकते हैं। अनुपम गुप्ता और अनिर्बन दास गुप्ता जी ने एक ही क्वेश्चन किया कि इन सब में से सबसे इफेक्टिव क्या है। तो अगर आप देखिए शॉर्टकट उपाय करना चाहते हैं, टेम्परेरी उपाय करना चाहते हैं, तो सबसे नंबर वन में ग्रीन नेट है, हरा रंग का जो पर्दा आता है वो आप लगा दीजिए, दैट इज बेस्ट। सेकेंड इज व्हाइट कलर का जो रिफ्लेक्टिव पेंट आता है स्पेसिफिकली हीट रिफ्लेक्शन के लिए, कुछ कंपनीज पेंट बनाती है, वो आप अपने लोकल पेंट शॉप में पता कर सकते हैं या इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सी कंपनी हीट रिफ्लेक्टिव पेंट बनाती है, उसका एक रिसर्च करके प्रॉपर्ली मैं कुछ ब्रांड्स के नाम भी आपको बता दूंगा, अभी इस वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ, तो वो आप यूज कर सकते हैं, उससे आप पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से पहले ध्यान रखिएगा कि छत बिल्कुल अच्छे से साफ करें, धूल नहीं रहनी चाहिए, मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, काई नहीं रहनी चाहिए, अगर कोई जो लोहे वाली ब्रश होती है उससे
स्क्रब करके फिर उसके बाद ही आप ये हीट रिफ्लेक्टिव पेंट कराएं। एक बहुत प्यारा सा नाम है जो मुझे प्रोनाउंस करने में भी तकलीफ हो रही है, तो अगर मैं सही प्रोनाउंस करूं तो धन्यवाद बोलना, नहीं तो मुझे माफ करना है मैं आपका नाम गलत बोलूं। नागर संजोल सेनेट SANATE, मुझे लग रहा है कोई नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ये कमेंट आया हुआ है। इफ द रूफ इज ऑफ टिन व्हाट इज बेस्ट, और कैरोलिन थॉमस है उन्होंने भी यही सेम क्वेश्चन, कैरोलिन थॉमस ने और ये नागर संघ जी ने दोनों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है कि भाई अगर टिन की चद्दर की लोहे की छत है तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो इसकी सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आप बाहर से पेंट करा सकते हैं व्हाइट कलर का, उससे काफ़ी टेम्परेचर डाउन होगा। दूसरा इसका सॉल्यूशन ये है कि क्योंकि जो मेटल जो होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, तो बहुत सारी गर्मी एब्जॉर्ब करके नीचे ट्रांसफर कर देता है, तो उसके लिए आप टीन सेट के नीचे आप फॉल सीलिंग करा सकते हैं। फॉल सीलिंग प्रेफरेबली मेरा जो सजेशन है वो है कैल्शियम सिलिकेट के बोर्ड से या मैग्नीशियम बोर्ड से फॉल सीलिंग कराइए, और अंदर से आप ग्लास वूल रॉक वूल डाल सकते हैं, XPS की सीट चिपका सकते हैं, जिससे कि वो जो हीट की जो ट्रांसफर है वो थोड़ी कम हो जाए और आपको अंदर गर्मी नहीं लगे। आपका जो अंदर का माहौल है उसमें कूलर AC कुछ भी लगा रहे हैं तो वो इफेक्टिव रहे। लेकिन ये क्या होता है, ये जो फौज जैसी आर्मी जैसी स्थिति है कि पड़ोस में जो दो देश है उससे आपको कितना थ्रेट है, जितना आपको थ्रेट होता उतनी आपको सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। तो टीन सेट में क्या है, थ्रेट ज़्यादा है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा आ सकती है, तो उसमें आपको जो उपाय जो है वो थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे। आजकल सैंडविच टीन सेट भी आती है, ऊपर टीन की सेट रहती है, बीच में पफ डला हुआ रहता है, फिर दोबारा नीचे से टीन सेट रहती चद्दर रहती है, तो उससे क्या है कि गर्मी ट्रांसफर नहीं होती। ये उपाय है, ये इसमें क्या है कि टीन सेट के नीचे थोड़ी सी ज़्यादा उपाय करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा तकलीफ है। रितेश जी ने पूछा कि क्या मैं जो सीलिंग है उसके अंदर रॉक वुड या ग्लास वुड डालने की जगह मैं XPS सीट डाल सकता हूँ क्या। बिल्कुल डाल सकते हैं, XPS जो है अच्छा प्रोडक्ट है, वो हीट को इजीली ट्रांसफर नहीं होने देता, तो रॉक वुड और ग्लास वुड नहीं डालना चाहें तो XPS ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट है। मेरा पर्सनल ओपिनियन भी ये है कि XPS इज अ बेटर प्रोडक्ट, थर्मोकोल का एडवांस वर्जन है, थर्मोकोल थोड़ा सा कमजोर होता है, ये थोड़ा मजबूत होता है, अच्छा होता है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। निखिल केसरवानी जी, उनकी एक बड़ी समस्या है कि उनका जो मकान है वो चारों तरफ से खुली एरिया में बना हुआ है, इधर लेफ्ट में राइट में आगे पीछे कहीं पे भी मकान नहीं बना हुआ है, तो चारों तरफ से उनके धूप आती है तो घर मकान बिल्कुल गर्म हो जाता है, जमीन जो है फर्श है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो उन्होंने पूछा है कि क्या उपाय किया जा सकता है। तो उनके जैसी प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों के साथ रहती है, तो उनकी इसकी जो सबसे बेस्ट उपाय तो यही है, अगर आप बहुत इकोनॉमिकल जाना चाहते हैं तो आप छत पे साइड में जिस तो साउथ फेसिंग साउथ की तरफ जो है मेन प्रॉब्लम रहती है दक्षिण की तरफ उधर, या जब सूर्य तेज ऊपर आता है टेम्परेचर जो नून टाइम में, वहाँ पे आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं, और अगर आप छत पे हीट रिफ्लेक्टिव पेंट लगा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। खूब सारे आपके मकान के आसपास, अगर आपकी आसपास की जमीन भी आपकी है तो जो फटाफट उगने वाले पेड़ हैं वो उगा लीजिए, तो पेड़ से काफ़ी छाया आ जाएगी, उससे काफ़ी टेम्परेचर कम हो जाएगा, उससे आपको भी फायदा होगा और वातावरण को भी फायदा होगा। तो ये सब सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। और ज़्यादा एडवांस सॉल्यूशन लेना चाहें तो आप जो इंसुलेशन है वॉल पैनलिंग करा सकते हैं, जो XPS की सीट लगा करके फिर पैनलिंग करा दीजिए, बाहर भी आप XPS सीट लगा सकते हैं, अंदर भी XPS सीट लगा सकते हैं, जिससे काफ़ी गर्मी रुक सकती है। स्वर्णा सुब्रमण्यम जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कमेंट करा कि थोड़ा इकोनॉमिकल जो है ना सॉल्यूशंस बताइए। तो इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस मैं बता देता हूँ इस वीडियो में, जो पिछले वीडियो में कवर नहीं था। तो इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस क्या है मैम, कि आप एक तो कैल्शियम जो चूना आता है वो चूना ले लीजिए, उसमें थोड़ा आप एडेसिव जो आता है फेविकोल का या SH एडेसिव जो आता है वो मिला लीजिए थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में, और छत को बिल्कुल क्लीन करके अच्छे से सफाई करके उस चूने से आप पेंट कर दीजिए छत पे, और अगर पॉसिबल हो तो दो बार पेंट कर दीजिए, तो एक सफ़ेद कलर का लेयर क्रिएट हो जाएगा, प्लस कैल्शियम जो है वो कैल्शियम में क्या होता है कि जो गर्मी होती है वो एब्जॉर्ब नहीं करता, तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकती है, मुझे उम्मीद है कि अच्छी रिलीफ मिलनी चाहिए। और अगर आप लोग कोई ये उपाय करें और आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या मेरा मेल आईडी जो है InteriorDost@gmail.com उसमें जरूर बताइएगा कि कितना इससे आपको रिलीफ मिलती है। तो चूना और एडेसिव जो है दोनों चीज़ को मिक्स करके छत को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके गीला कर लें, पहले फर्श को पूरी गीली कर लें अच्छे से, मतलब सूखी फर्श पे मत लगाइएगा, गीली करके फिर आप ये जो चूने का जो घोल है वो आप स्प्रेड कर दीजिए, उससे आपको रिलीफ मिलनी चाहिए। और दूसरा ऑप्शन जो है वो है जो वॉल पुट्टी आती है व्हाइट सीमेंट की, व्हाइट सीमेंट से जो बनी होती है जो दीवारों पे अपन व्हाइट पुट्टी करते हैं, तो
तो आप छत पे व्हाइट पुट्टी करके देखिए, व्हाइट पुट्टी से भी मुझे उम्मीद है कि वो व्हाइट कलर का व्हाइट कलर की वजह से जो हीट है वो आपकी जो छत है वो एब्जॉर्ब कम करेगी, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलनी चाहिए। तो ये दो थोड़े सस्ते उपाय हैं, आप लोग एक बार करके देखिए, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगी। जो हीट रिफ्लेक्टिव पेंट से जितनी आपको बेनिफिट मिलनी चाहिए करीब करीब उतनी बेनिफिट इससे मिल जानी चाहिए। तो आप लोग अगर इस ये जो मैंने जो आसान जो सस्ते वाले उपाय आपको बताए हैं ये आप लोग अगर यूज करें, और यूज करने से पहले क्या स्थिति है और यूज करने के बाद आपकी क्या स्थिति आती है ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या आप मेल करके बताइएगा, सो दैट की जो हमारे जो फैमिली है इंटीरियर दोस्त वाली उनको भी बेनिफिट मिल सके। और आपका अगर रिप्लाई आपका कमेंट काफी अच्छा रहेगा तो उसको अपन पिन करके ऊपर कर देंगे, या अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, आपसे वीडियो भी मंगाएंगे आपका किया हुआ काम से, फिर आपका एक इंटरव्यू टाइप अपन एक वीडियो में, ताकि आप लोगों का जुड़ाव ज्यादा इस चैनल के साथ बने ऐसा करेंगे। तो ये मेजर क्वेश्चंस थे, जो अच्छे अच्छे मेन क्वेश्चन थे इस सब्जेक्ट में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, लाइक देने से क्या मुझे अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं, आप लोग क्या चैनल देखते हो, अब मैंने अभी एनालिटिक्स देखा तो 78% लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सब्सक्राइबर बेस बढ़िया बनेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, जिनको आप जानते हैं कि जिनके घर में काफी गर्मी रहती है, उनसे आप शेयर कीजिए। वैसे तो भारतवर्ष ज्यादातर गर्म देश है, हर किसी को भी शेयर करेंगे, अपने ग्रुप्स में भी शेयर करेंगे तो उनको फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो दोबारा एक बार शेयर कीजिएगा, और एक्सरसाइज करते रहिए, गर्मी का मौसम है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कुछ ठंडी चीज़ें पीते रहिएगा और डायरेक्ट धूप में काफ़ी देर तक मत रहिएगा, लू नहीं लग जाए। स्वस्थ रहिए, नमस्कार, जय हिंद।